रहा है बिकॉज फेस्टिव सीजन है और बहुत सारे फेस्टिवल्स में ऑक्युपाइड होने की वजह से आई एम रियली सॉरी के सेशन बहुत लेट आ रहा है लेकिन अब ये सेशन बहुत ही कंटिन्यूशन में जाने वाले हैं इसलिए आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी कि पहले के सारे सेशन देख लीजिए आई होप सो अब तक देख लिए होंगे लेकिन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए बिकॉज खाली एक दो सेशन देखने से कुछ समझ नहीं आएगा राइट एक चीज सजेशन में आई है मेरे कमेंट बॉक्स में और वो ये है कि भाई इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत लॉन्ग हो जाता है तो जो स्टार्टिंग की मैं एक मिनी स्टोरी ड्राफ्ट करती हूँ कंसेप्ट से रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड वो अब बीच बीच में आएंगी राइट बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं रखूंगी बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं बोलूंगी ओके सो so, डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एच जर्नलिस्ट के हम बहुत सारे सेशन देख चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट सेशन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं और उसके कुछ फिफ्टीन फंक्शन जिनके ये डिटेल सेशनज आ रहे हैं आज बात करेंगे फोर्टीन सेशन की इससे पहले हम कर चुके हैं देख चुके हैं अगर आपने देखे हैं तो थर्टीन सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसीलिए बना है सारे सेशन पीछे के देख लीजिए उसमें मैंने सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि फंक्शन हो सकते हैं एक एच आर जर्नलिस्ट के एक एच आर ऑपरेशन के या फिर एक एच आर एग्जीक्यूटिव के भी या फिर अगर आपको इनमें से किसी फंक्शन के लिए हायर किया जा रहा है तो भी ये हो सकते हैं आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही काम रहेगा अगर आपको इसमें से किसी भी फंक्शन के लिए हायर किया गया है ओके सो so ये सारे सेशन देख लीजिए बहुत जरूरी है आज आ जाती है बारी एचआर जर्नलिस्ट के फोर्टीन फंक्शन की और ये है कंप्लायंस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी नाम से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट होगा कंप्लायंस मतलब किसी चीज को फॉलो करना कुछ इंप्लीमेंट करना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कुछ एडॉप्ट करना लॉज एंड रेगुलेशंस और उसको कंप्लाई करवाना फॉलो करवाना एम्प्लॉय से यस yes. ये ही होता है हमारा कंप्लायंस का काम कि जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स लॉज रेगुलेशन बनाए गए हैं कंपनी में वो एम्प्लॉय प्रॉपरली फॉलो करे उसको कंप्लाई करे ओके okay? सो so ये है हमारा कंप्लायंस और आ जाती है वर्क प्लेस सेफ्टी हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं कोई ना कोई सेफ्टी तो रिक्वायर्ड होती ही होती है ये होती है हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड इक like, अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कई तरीके की हो गई हम मशीनरी के पार्ट्स बनाते हैं हम ग्लासेस बनाते हैं या फिर हम कोई और प्रोडक्शन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें भी आपकी सेफ्टी अलग अलग होगी आप खुद सोच के देखिए ग्लास कैसी चीज है जब ग्लास बनता होगा तो कितने प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट होती होगी राइट आपकी आईज के लिए आपके हैंड्स के लिए ऐसे ही अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी मशीनरी के पार्ट्स बना रहे हैं तो वहाँ भी केयर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी किसी इलेक्ट्रिसिटी टाइप के डिपार्टमेंट में है इंडस्ट्री में है आप तो वहाँ कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे सेफ्टी में राइट right? सो so, ऐसे ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं कि हमारे अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ऑल दो कुछ एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स इंजरीज नॉर्मल होती हैं हर इंडस्ट्री में ना नॉर्मल का मीनिंग ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ये इंजरी या एक्सीडेंट नॉर्मल है नॉर्मल कहने का मीनिंग ये है कि ये बहुत एक्सपेक्टेड होता है कि इस टाइप की इंडस्ट्री में या इस टाइप के काम करने में ये ये आ सकती है उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एच आर राइट सो एच आर का क्या रोल रहेगा इतनी सारी कहानी तो हमने सुन ली कि भाई कंप्लाइंस और सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज एंड वेलफेयर लेकिन अब ये हमारा रोल क्या रहेगा हम तो ये सोचेंगे ना कि भाई इंडस्ट्री है जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उन्हें सब कुछ पता ही होगा कैसे कैसे होना होता है कैसे मशीन यूज करनी है क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमारा क्या रोल हमें तो सीट पे बैठना है बट यहीं आप रॉन्ग है बिकॉज मैं देने वाली हूं आपको कुछ सिक्स ऐसे रोल्स जो कि एच में ही आते हैं कंप्लायंस एंड सेफ्टी वेलफेयर के लिए किसी भी एम्प्लॉयज के लिए राइट सो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए बिकॉज ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप तक आते रहेंगे और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए बिकॉज बहुत सारी वीडियोज आपके काम के हो सकते हैं और चैनल की प्ले भी जरूर एक बार देख लीजिए कोई सेशन अच्छा लगता है तो देखिए अदरवाइज बंद कर सकते हैं ओके सो चलिए सो रोल की बात कर लेते हैं सबसे पहला रोल क्या है सबसे पहला रोल जो एच का आता है वो है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है जो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया कि जिस जिस टाइप की इंडस्ट्री है उसमें कैसी सेफ्टी की जरूरत है कैसे वेलफेयर की जरूरत है क्या कंप्लाइंस रिक्वायर्ड है ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेडिकल इंडस्ट्री में जो जरूरत है वही एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी जरूरत होगी ऑल कुछ जैसे फायर एक्सटिंग्विशर टाइप की सेफ्टीज हैं वो हर जगह ही होती है लेकिन किस जगह कितनी सेफ्टी की जरूरत है और किस टाइप की जरूरत है ये आपकी इंडस्ट्री टाइप पे डिपेंड करेगा ओके सो so, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सेकेंड आ जाएगा प्लान इंप्लीमेंट एंड सुपरवाइज नाउ जब हमें पता चल गया है कि किस टाइप की चीजें जरूरत है तो अब हमें प्लान करनी होगी कि वो कैसे कैसे हमें इंप्लीमेंट करनी है राइट प्लान कर लीजिए कि वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट होनी है और उसके लिए क्या क्या चेंजेस कंपनी में होने हैं क्या क्या चेंजेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे होने जरूरी हैं क्या क्या चेंजेस हमारे ऑफिस वर्क प्लेस एरिया में होने जरूरी हैं ओके okay? उसको प्लान करिए इम्प्लीमेंट करिए और सुपरवाइज करिए सेफ्टी पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है हमें ये चीजों का भी ध्यान रखना है कि कहां पे हाई रिस्क है तो हाई रिस्क है तो क्या क्या पॉलिसीज़ वहां पे होनी चाहिए और लो रिस्क है तो क्या क्या चीजें वहां होनी चाहिए देखिए ये सारी चीजें हम हैंड से नहीं करेंगे हम खुद से जाके फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाएंगे हम खुद से जाके जो उनके शटर्स होते हैं उनमें जो क्लोजर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब नहीं करेंगे हैंड से लेकिन ये सब हो रहा है नहीं हो रहा ये इंश्योर करना हमारी जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज अल्टीमेटली हमारे एम्प्लॉयज हैं हमने उन्हें हायर किया है वर्क के लिए किया है और उनकी सेफ्टी उनकी हेल्थ हमारे लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए राइट नाउ थर्ड आएगा स्टेब्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम जो की बहुत ज्यादा जरूरी है ये नहीं है कि आपने सब कुछ सेफ्टी वेफ्टी लगा दी अब वो जो इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए आपने लगाए हैं या आपने कुछ ऐसे डोर्स लगाए हैं इमरजेंसी एग्जिट डोर्स हैं वो किसी को ओपन ही करना नहीं आ रहा आपने उस पर इंडिकेशन लिख दिए बट स्टिल एम्प्लॉयज नहीं खोल पा रहे हैं जो लेबर हमारी काम कर रही है उससे वो खुल ही नहीं रहा है तो ऐसी चीजों का क्या फायदा आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड करना होगा एम्प्लॉय को कि वो वो चीज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं कुछ डेमोज दिखाने पड़ेंगे सेफ्टी ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी इक्विप करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को कि इमरजेंसी में आपको क्या यूज करना है कुछ प्रॉपर ग्लव्स हैं ग्लव्स कहाँ पर आपको रखने जरूरी हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको माइन्यूट बता रही हूँ जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं खाली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता आपने इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन जब तक एम्प्लॉय को वो यूज़ ही करना नहीं आएगा लेबर को वो यूज़ ही करना नहीं आएगा वो किसी काम का नहीं है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने नल सेफ्टी दी हुई है उन्हें राइट सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टेब्लिश करें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फोर्थ इज एजुकेट टाइमली टाइमली उन्हें एजुकेट करते रहें जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं जैसे जैसे आपने अगर कुछ सेफ्टी इश्यूज़ uh, में जो जो सेफ्टी में प्रॉब्लम्स आ रही थी जो आपको पता चली रिपोर्ट हुई फीडबैक आया उसमें आपने कुछ चेंजेस करे तो वो भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को खाली ऐसा नहीं है कि हर बार आपको कुछ सेशंस ही कंडक्ट करने हैं बहुत सारे और वेज हैं लाइक like, ऑब्वियसली जब कोई न्यू चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ट्रेनिंग सेशन देने होंगे लेकिन आपको क्या करना है आपको प्रॉपर होर्डिंग्स लगाने हैं जगह जगह प्रॉपर इंडिकेशन होने चाहिए हर जगह जैसे मैंने बताया कि एग्जिट डोर है अगर कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर है तो उस पर लिखा होता है कि वो कैसे एग्जिट किया जाएगा हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए तो आपको इंश्योर करना है कि इस तरीके से इंडिकेशन सब जगह लिखे हुए हों जहां जहां सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है ऐसा नहीं है कि बस हाँ हमने तो बता दिया था हमने तो कर दिया था हमने सारी चीजें कर दी लेकिन वो एम्प्लॉयज को अवेयरनेस है ही नहीं एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है ओके okay? इग्नोरेंस किसी से भी हो सकती है लेकिन हमारा पार्ट क्या है हमारा काम क्या है हम प्रॉपरली उन्हें एजुकेट करें जो भी चीजें चेंज हो रही हैं उनको लेकर और जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर भी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें लेकर भी राइट right? फिफ्थ आ जाता है वेलनेस एंड हेल्थ प्रोग्राम्स नाउ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम कुछ वेलनेस और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स कंडक्ट करें प्रॉपर ब्रेक्स रखें कुछ एक्टिविटीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रखें एम्प्लॉयज़ के लिए चाहे वो किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं हर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए आप कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं जिससे कि उन्हें स्ट्रेस से थोड़ा सा टाइम ऐसा मिले जिसमें वो अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट कर सकें यस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती ही इसलिए हैं कि आपको जब कुछ प्रॉपर ब्रेक्स मिलते हैं कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं तो आपका माइंड बॉडी सब फ्रेश होता है जैसे कि आप दोबारा से बहुत अच्छे से बैक टू वर्क हो सकते हैं ओके सो so ये आपकी ड्यूटी है कि आप इंश्योर करें कि जिस भी लेवल का एम्प्लॉयी है उसको ये भी एक्टिविटीज़ मिलती रहें ये ना इंश्योर करें कि हाँ जी बहुत ही जो ऑफिस में अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं सिर्फ उनके लिए हमने कुछ अच्छी एक्टिविटीज रख दी और जो लोअर स्टाफ है वो सिर्फ हमेशा सेवा में लगा रहता है ये बहुत ज्यादा देखा जाता है आई एम रियली सॉरी कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो लोअर स्टाफ है दैट ऑल्सो नीड्स गुड एक्टिविटीज गुड ब्रेक्स और वो एक ऐसा स्टाफ है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो बिल्कुल ऐसा काम कर रहा होता है जिससे सच में प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स हो रहे होते हैं बट हम उन्हें भूल जाते हैं उन स्टाफ को भूल जाते हैं हम सोचते हैं कि बस माइन्यूट सा कुछ उनके लिए कर दिया और वहाँ काम हो जाएगा तो दे ऑल्सो नीड रिफ्रेशमेंट फ्रॉम माइंड फ्रॉम बॉडी ओके सो हमें ध्यान रखना है कि कुछ वेलनेस एंड हेल्थ प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते रहे उन्हें टाइम टू तो टाइम अवेयर भी करते रहे कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ वाइज भी फिजिकली भी मेंटली भी राइट और लास्ट आ जाता है सिक्स और ये है रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स यस ये बहुत जरूरी है कि हम ऑडिट्स करते रहें सेफ्टी ऑडिट्स करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यों है बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने इम्प्लीमेंट करके रख दिया सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है हम सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं यार सब कुछ ठीक है नहीं ऐसा नहीं है आपको फीडबैक्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जिनके लिए आपने वो सेफ्टी मेजर्स लगाए हैं एक बार जाके उनसे फीडबैक तो लीजिए कि भाई क्या वो सच में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और क्या वो बेनिफिशियल है सबके लिए जिस तरीके से हमने चाहा था कि उसमें उसके आउटपुट आएंगे वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और जिस तरीके से हमने वो चीजें इंप्लीमेंट की थी वो एक्चुअली उस तरीके से इंप्लीमेंट हुई है या नहीं है ये बहुत जरूरी है आप देखेंगे मैं अपने हर सेशन में एक रिव्यू एंड फीडबैक का जरूर एक पॉइंट रखती हूँ लास्ट में वो इसीलिए रखती हूँ क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि हम लोग कर करके सब चीजें छोड़ देते हैं मतलब एक बार वंस हमने उसको कर दिया हमने सोचा बस वो इम्प्लीमेंट हो गई और जिसकी ड्यूटी है वो उसे देखता रहेगा लेकिन वही हमसे चूक हो जाती है जब कुछ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं तो पता चलता है कि बहुत समय से वर्कर्स का किसी ने फीडबैक ही नहीं लिया था कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है यस yes, किसी ने केयर ही नहीं करी एक बार वो लगा दिए बहुत बार फायर एक्सटिंग होते हैं उनका रेगुलर चेक जरूरी है बहुत बार पता चलता है कि जब फायर हुई तो तब पता चला कि वो प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा था उसमें कुछ इशू था तो दिस इज नॉट राइट हमें अपने आप जो चीजें हमने सेफ्टी के लिए लगाई है उन्हें रेगुलर मॉनिटर करना जरूरी है खुद से भी चेक करना ज़रूरी है एंड इट्स बेटर कि आप एक टिक सिस्टम लगाएं uh, उनके आस पास ही कि हाँ वो किस डेट में uh, चेक हो गया है नहीं हो गया है और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्टिंग भी हो इसके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं मैं थोड़ा सा डीप में बता रही हूँ बिकॉज सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है किसी भी एम्प्लॉय की जैसे कि हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि हम सेफली कहीं पहुंचे ऐसे ही जो हमारा एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहा है हमारी इंडस्ट्री में वो बहुत वैल्यूएबल है उसकी अपनी फैमिली के लिए और हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा है और अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी राइट हम एक एच आर है हमारा काम सिर्फ हायर करना नहीं है एम्प्लॉय को रिटेन करना भी है और रिटेंशन एक बहुत बड़ा रोल है एक एच आर का वो बहुत ज़रूरी होता है हम सोचते हैं बस हायर करके ख़त्म किया यार मैं तो रिक्रूटर हूं मेरा काम खत्म अब तो हायरिंग मैनेजर देखेगा कंपनी देखेगी बट यही हम गलत हैं यहीं हम फॉल्ट हो जाते हैं यही चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इम्पैक्ट करती है ओके सो so, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आई होप सो मेरी साइड से डन है आपको समझ आया होगा इसमें अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं किसी एक्ट के बारे में जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो एक प्रॉपर एक्ट है मैंने उसके बारे में इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं करा बिकॉज वो एक्ट रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी तो आपको लेंगे पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सा बता दिया जब आप जिस भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे वहां जो सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज हैं वो ध्यान रखने जरूरी हैं और जो मैंने आपको रोल बताए सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि इसमें आपका रोल क्या है इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया बिकॉज हम ये नहीं समझ पाते कि ये हमारा असली रोल है कि ये चीज़ें किस तरीके से स्ट्रीमलाइन हो रही है किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं इस पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है ओके सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हैप्पी स्टे सेफ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय